हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ये पढ़ा था, और हमने देखा था कि जब हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ पर कोई एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं तो उसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव में आती है, और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और y की वैल्यू नेगेटिव रहती है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, तो आज हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट क्या है, टू एंड थ्री, फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट क्या है ये, तो एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है और वाई की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, तो एक्स वन हो गया टू, एक्स टू क्या हो गया फाइव, वाई वन हो जाएगा थ्री, एंड वाई टू क्या आ जाएगा, वाई टू की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए, कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 5, 5 माइनस x1 की वैल्यू है 2 इनका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहां से क्या दे रखी है, y2 की वैल्यू दे रखी है 6 और y1 की वैल्यू है 3। ठीक है, अब यहां से चेक करिए क्या आएगा, 5 माइनस 2 3, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 भी क्या होता है थ्री आता है, तो थ्री का स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा नाइन। ठीक है, अब नाइन प्लस नाइन क्या आता है एटीन, आपके पास आंसर आ गया एटीन, कोई दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस आ गई रूट एटीन। रूट एटीन को आप किस तरह लिख सकते हो, यहां से देखो, जब हम रूट एटीन को इस तरह लिखते हैं तो क्या आएगा नाइन टाइम जाएगा, अगेन करेंगे थ्री से तो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो यहां देखो, अगर रूट से आपको डिजिट में चेंज करना है तो आप किस तरह करोगे, अगर दो बार कोई आ रहा है, टू टाइम्स अगर कोई डिजिट आ रही है तो उसको आप बाहर की तरफ लिखोगे, क्योंकि जब आप इनको इस तरह लिखते हो थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इसका मतलब क्या है नाइन, नाइन किसका होता है थ्री का, तो जब ये रूट जो है बाहर खुलेगा तो क्या आएगा थ्री आ जाएगा, तो यहां से 18 का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इनको हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे और बाहर की तरफ ले लेंगे, और अंदर क्या आएगा रूट के 2। तो या तो आप इस तरह लिख सकते हो या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, कोई दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई दो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, कोई दो पॉइंट इस तरह है x एंड 3, 5 एंड 7, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस दे रखी है आपको फाइव। ठीक है, यहां से देखो एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू क्या है ये, ठीक है, एक्स टू की वैल्यू दे रखी है फाइव, फाइव माइनस एक्स वन की वैल्यू है एक्स, फाइव माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है y2 माइनस y1, y2 क्या है 7, 7 माइनस y1 की वैल्यू दे रखी है 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 इज इक्वल टू यहां से क्या आया 5 माइनस x, 5 माइनस x,
इसको एज इट इज रहने दो। 7 माइनस 3 क्या आता है 4 और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। यहां तक हमारा आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट हम करेंगे ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से तो क्या आएगा स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। कैसे हटेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। यहां से क्या आ गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16। तो नेक्स्ट हम इसको कैसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। स्क्वायर का मतलब है आपको उसी डिजिट को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई मतलब 25। अब देखो 5 माइनस एक्स, इसके स्क्वायर किस तरह होते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह हम इसको ओपन करेंगे तो a यहाँ पे क्या है 5, तो पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस, देन हम क्या करेंगे b का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करना है माइनस 2ab माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है x प्लस 16। यहां तक आपको समझ में आया, क्या किया हमने a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन किया, क्या आएगा ए स्क्वायर फिर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10x प्लस 16। यहां तक हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो यहां से इसमें क्या है 25 है और 16 है, ये डिजिट है 25 माइनस, जब इसको और इस डिजिट को इस साइड लेके आओगे तो ये क्या होगा 25, जब इस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, और ये 16 प्लस में है तो ये भी क्या आएगा इस साइड माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। यहां तक आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 25 माइनस 25 ये कैंसिल हो गए, क्या आया यहाँ पे माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। यहां तक हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जब ये 16 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसी वैल्यू को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने यहां तक सॉल्व कर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि हम x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम 16 है तो 16 को किस तरह लिख सकते हैं 2 18 ये आएगा, ठीक है। जब हम 16 का एलसीएम लेंगे या एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 और 2, ठीक है। अब हमें इन्हीं से इन चारों से हमें क्या करना है, हमें 10 बनाना है। तो हम 10 किस तरह से बनाएंगे, यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो यहां तक तो क्या आ गया 8 और ये क्या बचा 2। तो इसको हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है, तो हम इसको किस तरह से तोड़ते हैं 16 का एचसीएफ करके। 16 का एचसीएफ करने पे हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहां तक हमने क्या किया 8 और ये क्या आ गया 2। तो माइनस 8 और माइनस 2 को जब हम ऐड करते हैं तो वापस क्या आता है 10। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 8x माइनस 2x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां देखो जब हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 8 माइनस, अब 2 कॉमन लेंगे तो वापस क्या आएगा x माइनस का 8, ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स ले लिया तो क्या आ जाएगा एक्स, जब हम एट एक्स में से एक्स लेंगे तो क्या बचेगा 8। नेक्स्ट है 2x में से हमने ले लिया 2, ठीक है, क्या बचा एक्स। हमने माइनस का साइन क्यों लिया, क्योंकि हमें एक्स जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। देन आप 16 में से 2 को
आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो किस तरह बनाते हैं इसको, पेयर कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस एट इधर भी क्या है, एक्स माइनस एट, यहाँ एक्स माइनस टू, दूसरा पेयर क्या बनेगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। जब आप फर्स्ट पेयर ले रहे हो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 8, ठीक है। जब आप सेकेंड पेयर ले रहे हो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 2। तो यहां से x की दो वैल्यू आ रही है 8 और 2, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 8 और 2, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा कि अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हो तो उनके बीच के डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह का फिगर बनाएंगे जिसमें हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को इस प्लॉट पर बनाना है। फर्स्ट दे रखा है 2, 4, -2, 3, -4, 3 एंड नेक्स्ट दे रखा है 5 एंड -2। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, x की होती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है x और क्या है पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो x की वैल्यू दे रखी है 2। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या आएगी यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई 2, देन y की वैल्यू क्या दे रखी है 4, 4 कहाँ पे है यहाँ पे, 2 कहाँ पे है यहाँ पे। तो यहाँ से डैश डैश लाइन से बनाओगे आप, 4 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये बन गया, क्या बन गया 2 और 4 का प्लॉट। सेकेंड हमें दे रखा है -2 एंड 3, -2 एक्स की वैल्यू क्या है -2, तो एक्स और एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब क्या है, जो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आती है वो इस साइड आती है, तो क्या है -2, -2 कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। देन क्या दे रखा है 3, 3 क्या है पॉजिटिव में, तो वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो इस साइड आएगी, क्या है 3। वापस डॉट डॉट लाइन से बना दो, 2 एंड 3 था तो -2 और 3 का जो प्लॉट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है -4 एंड 3, -4 का मतलब क्या है यहाँ पे, x फिर से नेगेटिव में है, ठीक है, तो x नेगेटिव है मतलब ये -4 और 3 ये वाला, तो प्लॉट क्या बनेगा आपका -4 एंड 3, ये आपका प्लॉट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5 एंड -2, इस बार क्या है 5 तो है यहाँ पे पॉजिटिव है, 5 क्या है पॉजिटिव है, 5 एक्स की वैल्यू दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देन आपको दे रखा है -2, -2 किधर आएगी, ये क्या है ये वाई की वैल्यू है, नेगेटिव वाई कहाँ आता है इस साइड से, इसको डिनोट करते हैं वाई डैश से, तो क्या दे रखा है -2, ये रहा -2, ठीक है। यहाँ से डेंटर लाइन से ले आओ और 5 क्या है ये रहा, तो इसका प्लॉट क्या बन गया ये, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है, x और y की वैल्यू चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उनको हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, अगर x पॉजिटिव है तो इस साइड बनेगा, अगर x नेगेटिव है तो इस साइड बनेगा, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड बनेगी और अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो इस साइड बनेगी, ठीक है। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये फिगर दे रखा है और हमें क्या करना है पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स PQRS, हमें PQRS की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम गिवन फिगर। यहाँ देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें पॉइंट्स दे रखे थे और हमें उसको प्लॉट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लॉट किया हुआ है और हमें पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्या है पी, पी कहाँ दिख रहा है ये रहा पी, यहाँ पे एरो लगा रखा है मतलब ये, यहाँ पे क्या होता है एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, जीरो को हम नाम देते हैं ऑरिजिन। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 0, 0, यहाँ पे क्या होता है एक्स की वैल्यू भी जीरो रहती है और वाई की वैल्यू भी जीरो रहती है, तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, 0। सेकेंड हमें दे रखा है क्यू, तो क्यू कहाँ पे है, क्यू हमारा यहाँ पे है, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या है 5,
और x की वैल्यू क्या है -2, -2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 5। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये x डैश है, x डैश में किसकी वैल्यू होती है, x की नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से देखिए q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो x तो हमारा नेगेटिव है यहाँ पे और y हमारा पॉजिटिव है, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5। ठीक है, इस तरह से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है r, r कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ रही है -4, x की वैल्यू आ रही है -4 और y की वैल्यू क्या आ रही है -5। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू आ गई -5। ये हो गया हमारा r की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है s, s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो s कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू। x क्या है, ये रहा, ये थर्ड पर है तो 3 आ गया। y की वैल्यू क्या है, -3, -3। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह आ रहे हैं सारे, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हमने पढ़ा था पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 0 और 0, ओरिजिन पे आया ना ये, x की वैल्यू में 0 और y की वैल्यू भी 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्या इसी तरह आया, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, हमारा एकदम करेक्ट आया है। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में x की वैल्यू तो -4 थी और y की वैल्यू -5 थी, और हमने यही पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो इसी तरह से आया, x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है -3। यहाँ से देखो -3, ये पॉजिटिव होता है x, इस साइड x नेगेटिव होता है, y इस साइड पॉजिटिव होता है और y इस साइड नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, प्रूफ दैट पॉइंट्स, चार पॉइंट्स दे रखे हैं और प्रूफ करना है कि जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो क्या करेंगे हम, जैसे इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल निकालनी है, ये साइड और ये साइड इक्वल निकालनी है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला जो डायगोनल है वो अगर इक्वल आता है तो हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो जब हम प्लॉट करेंगे तो एक तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोई दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू, फिर क्यू आर की वैल्यू, फिर आर एस की वैल्यू, देन एस एंड पी की वैल्यू। जब ये चारों वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे कि क्या, अगर हम इस तरह से बना रहे हैं रेक्टेंगल, यहाँ देखो तो पी क्यू आर एस इस तरह से लिखा जाएगा, तो हमें क्या देखना है कि क्या पी क्यू की वैल्यू एस आर की इक्वल आती है या क्यू आर की वैल्यू पी एस की इक्वल आती है क्या। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है तो क्या होगा, जो हमारे ये चार पॉइंट्स हैं उनसे बनने वाला जो फिगर है या प्लॉट है वो रेक्टेंगल होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू की। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो एक्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स टू की वैल्यू दे रखी है -1 माइनस, जब माइनस में से -2 को हटाएंगे तो क्या आएगा, +2। ठीक है, क्यों, -2 इस तरह से हम लिखेंगे तो -2 क्या हो जाएंगे, +2। तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है +2 स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू क्या है 1 है और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 - -1। तो -1 अगेन क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो
टू माइनस वन, ठीक है, टू माइनस वन इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन। तो ये तो क्या आ गया, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन टू होता है, टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा फोर, तो यहां से आ गया फोर, ठीक है। इन दोनों को जब रूट में प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी रूट फाइव। अब हमें चेक करवाना है कि एस और आर की वैल्यू भी सेम आती है क्या, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, एस आर, ठीक है, एस आर कौन सा होगा, ये और ये, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है फाइव एंड माइनस टू, इसकी वैल्यू दे रखी है फोर एंड माइनस फोर, तो एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, एक्स टू की वैल्यू दे रखी है फोर माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है फाइव, इनका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की वैल्यू दे रखी है माइनस का फोर और वाई वन की वैल्यू दे रखी है माइनस टू, तो माइनस माइनस टू करेंगे तो प्लस का टू, ठीक है। यहां से देखिए फोर माइनस फाइव, जब छोटे डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, फोर माइनस फाइव क्या होता है माइनस का वन, माइनस का वन का स्क्वायर, प्लस हमें क्या करना है, प्लस करना है माइनस फोर एंड माइनस टू। यहां देखिए जो बड़ी डिजिट है वो माइनस की है तो वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस की, माइनस का टू, जब फोर में से टू माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का टू, इसका स्क्वायर कर दो क्या आएगी यहां से वैल्यू, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है, और माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फोर, यहां से भी वैल्यू क्या आई, रूट फाइव, इसकी वैल्यू क्या आई रूट फाइव, इसकी वैल्यू क्या आई रूट फाइव। तो दो चीज तो हमें पता चल गई कि पी क्यू और आर एस की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम किसका निकालेंगे, पी एस और क्यू आर का। अब नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, पी और एस की, मतलब पी के जो पॉइंट्स हैं उनको एक्स वन वाई वन लेंगे और एस के जो पॉइंट्स हैं उनको हम लेंगे एक्स टू वाई टू। तो यहां देखिए पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी और एस लिया, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू क्या है फोर और एक्स वन की वैल्यू दे रखी है माइनस टू, क्या करेंगे इस तरह से, ठीक है, प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है माइनस का फोर और वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस का वन, तो क्या आ जाएगा माइनस फोर प्लस का वन। क्यों आया, क्योंकि माइनस फोर माइनस माइनस का वन इस तरह करेंगे तो माइनस फोर प्लस वन ये आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर प्लस टू, फोर प्लस टू क्या होते हैं सिक्स होते हैं और सिक्स का स्क्वायर क्या होता है थर्टी सिक्स, सिक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस माइनस फोर और प्लस का वन, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, फोर में से जब माइनस वन होगा तो क्या आएगा थ्री, और वैल्यू किसकी बड़ी है माइनस फोर की, तो यहां से आ जाएगा थ्री, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, इसका स्क्वायर, तो फोर माइनस का फोर प्लस का वन है, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का थ्री, माइनस का थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं नाइन। जब आप थर्टी सिक्स और नाइन को ऐड करते हो तो क्या वैल्यू आती है फोर्टी फाइव, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या क्यू आर की वैल्यू भी फोर्टी फाइव आती है, रूट का फोर्टी फाइव है, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्यू आर, अब हम क्या ले रहे हैं क्यू और आर, तो एक्स टू क्या हो जाएगा फाइव, फाइव माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है माइनस का वन, तो माइनस माइनस का वन मतलब प्लस का वन स्क्वायर, वाई टू की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का टू, तो माइनस का टू, वाई वन की वैल्यू दे रखी है वन माइनस वन, अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव प्लस वन सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस माइनस टू माइनस वन, जब कोई दो डिजिट माइनस की है तो आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगी और जो उनका साइन है वो माइनस ही रहेगा, माइनस टू माइनस वन मतलब माइनस का थ्री
और माइनस का 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 9। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ 9, ठीक है। तो अगेन 36 प्लस 9 क्या आ जाएगा रूट 45, इसका भी 45 और इसका भी 45। वैल्यू क्या है यहाँ से रूट 45 एंड रूट 45, आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल आ गई, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि जो हमने पॉइंट्स लिए हैं जब उनको प्लॉट करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, और हमने देखा कि अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनको किस हिसाब से प्लॉट करना है, और अगर पहले से प्लॉट किए हुए हैं तो उनको कैसे उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।